हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा को हम घर में ही बनाएंगे और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे एक पैन में। जी हाँ, आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे पैन में बहुत ही इजी वे से, और खाने में उतना ही यमी लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। पिज्ज़ा का बेस बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ मैं 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। नॉर्मल जो घर में हम चम्मच यूज़ करते हैं उसी का नाप मैं ले रही हूँ। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और डाल रही हूँ मैं 1/4 स्पून नमक का। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मैदे में। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश दही। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप के माप का 1/2 कप दही डालेंगे हम, और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, जब आपका दही मैदे में बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लो, तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल नरम आटा हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे हम आटे को, एकदम नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये देखिए, गूंथ गया है हमारा आटा। अब हम मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड। 1 चम्मच रिफाइंड डालकर हम इसे अच्छे से मसल मसल कर बिल्कुल नरम कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे कम से कम 1/2 घंटे के लिए, ताकि ये फूल कर अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों, जब तक हमारा आटा फूलकर सेट होता है, तब तक हम टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हुए हैं 1 कटा हुआ प्याज, 1 शिमला मिर्ची, 1 टमाटर, मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, मिक्स हर्ब्स, चिल्ली फ्लेक्स। इन्हीं सामान की हमें ज़रूरत होगी पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग लगाने की। आप सब्जियों को अपने मनपसंद आकार में कट कर लीजिए, जिस तरह से आपको पसंद हो। चाहे तो चौकोर टुकड़े कट कर लीजिए, या फिर आप उसे लंबाई में काट लीजिए। देखिए, तब तक आटा भी फूल कर बिल्कुल सेट है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। ये देखिए कितना नरम है। इसी तरह से नरम आटा आपको लगाकर तैयार करना है। ये मैं थोड़ा सा रिफाइन डालूंगी इसके ऊपर, और इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लूंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम इसकी बनाएंगे लोई। आपको नॉर्मल जो चपाती हम बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी लोई हम लेंगे। यहाँ मैंने डाला है ये ड्राई मैदा। बस इसी के साथ हम इसे पहले हाथ से दबा दबा कर थोड़ा फैला लेंगे, और फिर बेलन की मदद से अच्छे से इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा आपको नहीं बेलना है, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आपके यहाँ जो पैन हो जिसमें आप बनाने जा रहे हो, आप देख लीजिए कि कितना बड़ा है। आप उसी आकार का इसे बना सकते हो। ये देखिए कितनी मोटाई आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं ना बहुत ज़्यादा पतली। और हम इस तरह से साइड से इसे थोड़ा सा शेप दे दूंगी मैं, कॉर्नर जो है उसके साइड वाले,
इनको थोड़ा सा हम इस तरह से उठा देंगे कि जो बीच में जो है हम टॉपिंग को बड़े अच्छे से लगा पाएं। अभी हम एक फोक की हेल्प से इसमें इस तरह से निशान बनाएंगे ताकि बेस जो है उसमें वो फूल ना जाए हमारा, ये इसलिए लगाए जाते हैं। तो आप इसी तरह से फोक की हेल्प से उसमें निशान बना लीजिए ताकि पिज़्ज़ा का बेस जो है बहुत अच्छे से पक जाए, वो फूले नहीं। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से लगा दिए हैं ये। अब हम लगाएंगे सबसे पहले अपने बेस को, ये हमने रेडी कर लिया है, इसको हम सबसे पहले उस पैन में शिफ्ट कर लेंगे जिसमें आपको इसे बेक करना है, एक तरह से पकाना है। जिसमें ये मैंने पैन ले लिया है, इसको मैं हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है हल्का हल्का, जो आपने ये बेस तैयार किया है इसको आप पैन में रख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें गहराई दे देती हूँ ये, ताकि जो भी मैं इसमें टॉपिंग वगैरह लगाऊँ वो बाहर नहीं आए, उसमें उसी के अंदर ही रहे। सबसे पहले अब हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने घर में तैयार करी है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और इसे अपलोड भी करूंगी। घर में बनाना पिज़्ज़ा सॉस बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है, इसे आप इजीली बना पाओगे। सबसे पहले हम बेस पर एक लेयर पिज़्ज़ा सॉस की अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी चीज़। चीज़ आपके अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हो। अभी हमने जो वेजिटेबल्स कट करी हैं हम उनको लगा लेंगे। आप इस तरह से अपने मनपसंद आकार में उन्हें कट कीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार आपको जैसे पसंद हो आप उसको अच्छे से लगा दीजिए। ये देखिए पहले मैंने शिमला मिर्ची वो लगा ली है उस पर टॉपिंग, अब हम लगा रहे हैं टमाटो। बीच बीच में अच्छे से सजा दीजिए उसे। अब हम लगाएंगे इसमें अनियन। अनियन के ये मैंने फ्लेक्स बिल्कुल अलग कर लिए हैं, जैसे ये देखिए, तो इसके पूरे बल्ब से ये अलग कर देंगे आप और अच्छे से उसको लगा दीजिए बीच बीच में। पिज़्ज़ा बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत इजीली घर पर बना सकते हो। और आज का जो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईज़िली आप इसे बना पाओगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। थोड़े से हम इसमें मिक्स हर्ब्स, उनको भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी मैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन। अभी मैं इसको कर रही हूँ बिल्कुल सिम और रख देंगे पैन को गैस के ऊपर और मैं इसे कर दूँगी कवर। लीजिए फ्रेंड्स ये हमने लेट लगा दिया है, अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे या कहो कि बेक करेंगे। तो आप इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल बनाइए, काफ़ी अच्छा तैयार होता है पिज़्ज़ा। आप 10 से 12 मिनट तक इसे बेक करिए, जब 10 मिनट हो जाएं तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हो कि आपका पिज़्ज़ा रेडी हुआ है या नहीं। अब मुझे ये बाहर से देखिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्लास लिड है, अगर आप दूसरा भी कोई लिड लगाते हो उसके ऊपर तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है,
8 से 10 मिनट में पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से पक जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पिज़्ज़ा की। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना है ये। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिए। बताइए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। इतना इजी मेथड है पिज़्ज़ा बनाने का। इसमें आपको किसी तरह से ये नहीं है कि ओवन नहीं है और आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। पैन में भी पिज़्ज़ा उतने ही अच्छे से तैयार होता है जितना बेक करने से ओवन में। ये देखिए कितने अच्छे से इसका बेस जो है पक के तैयार हुआ है। एकदम ब्राउन लेयर हो गई है नीचे से और उतना ही अच्छे से फूल भी जाता है ये। ये देखिए बिना यीस्ट के कितने अच्छे से पिज़्ज़ा बना है। सिंपली हमने घर में हमारे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये होते हैं, आप उन्हीं से पिज़्ज़े को तैयार कर सकते हो घर में। और अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स आप टॉपिंग्स में लगा सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो जब भी आपका फ्रेंड्स मन हो तो आप पिज़्ज़ा को बेझिझक घर में तैयार कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अब हम इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल और कर लेते हैं मिक्स हर्ब्स को और चिली फ्लेक्स को। इतनी अच्छी खुशबू आती है बेक होने के बाद फ्रेंड, पूरे घर में मेरी खुशबू ही खुशबू फैल गई है पिज़्ज़ा की। तो लीजिए, ट्राई करिए और ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए और अपने कमेंट जो है मेरे साथ शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लाती रहूं जिसको आप बहुत इजीली अपने घर पर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से फ्रेंड मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को खूब सारे लाइक करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।